सो गाइस, आपने क्लिपिंग वन वाली वीडियो देख ली होगी, मैं आशा करता हूं। क्लिपिंग टू का पार्ट यहां से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि क्लिपिंग वन में हम लोग पूरा इंफॉर्मेशन नहीं दे पा रहे थे, इसीलिए इस पार्ट को हमें लाना पड़ा। चलिए इस पार्ट को स्टार्ट करते हैं। सॉफ्ट क्लिप अभी 30 साल से यूज हो रहा है, काफी सिस्टम्स में आता है। तो उसमें क्या होता है, जो वो लिमिट इनपुट स्टेज पे ही कंट्रोल करना स्टार्ट कर लेता है। इनफैक्ट वो इट विल स्टार्ट, वो काम करना चालू करेगा -8 dB पे बिफोर द मैक्सिमम लेवल। 8 dB बहुत होती है, तो उससे काम करना चालू करेगा, सो दैट यू डोंट गेट अ वेरी, इट्स लाइक अ सॉफ्टर वर्जन ऑफ अ लाइक अ कॉम्प्रेसर। फुल लिमिटर नहीं है, इसको सॉफ्ट लिमिटर बोलते हैं। जैसे हमारा MT-1601 है, उसमें SLDD है, साउंड डायनेमिक प्रोसेशन सर्किट है, और एक LX ओवरलोड लिमिटर सर्किट है। ये मैं SLDD और LX इसके लिए कह रहा हूँ क्योंकि ट्रेडमार्क्स है। तो बेसिकली SLDD इज लाइक एन इनबिल्ट लिमिटर डिले, मतलब वो लिमिटर पहले से ही काम करता है, इट्स अ डिले। एंड वो अलग अलग फ्रीक्वेंसीज पे वेरिएबल है, मतलब अलग अलग हर फ्रीक्वेंसी पे अलग काम करता है। तो अगर उसका जो एक एल्गोरिदम दिया हुआ है कि किस फ्रीक्वेंसी पे कितने डीबी काम करना है, कितना फास्ट काम करना है, कितना स्लो काम करना है, तो ये जो है काफी फर्क पड़ जाता है उससे। एंड सर, सॉफ्ट क्लिपिंग को हम लोग ऑटो ट्यून से कनेक्ट कर सकते हैं क्या? क्योंकि वो मेरे हिसाब से तो ऑटोमेटिकली उस वेव को सेट करता जाएगा कि वो बाहर जाए ही ना उसकी रेंज से। सॉफ्ट क्लिपिंग इज लाइक अ सॉफ्ट कॉम्प लाइक अ सॉफ्ट नी कॉम्प्रेसर। जैसे आप कॉम्प्रेसर में हार्ड नी, हार्ड लिमिट, सॉफ्ट नी, सॉफ्ट लिमिट होता है। दिस इज अ सॉफ्ट लिमिटर। सो द क्लोजेस्ट यू कैन से इज लाइक अ सॉफ्ट कंप्रेसर। इसमें क्या है, वो 8 dB पहले से काम करना शुरू कर लेता है, सो यू कैन गेट अप टू अबाउट 6 to 8 dB एक्स्ट्रा ओवरऑल लिमिटिंग में। सो अभी इफ यू वांट आई कैन, वी कैन गो डीपर इनटू इट अ लिटिल बिट कि इसमें क्या क्या होता है। अभी जैसे हम पुराने जमाने में थे, मैंने जब अपना एक्चुअली करियर भी नहीं शुरू किया था, मैं अपने डैड के दुकान पे जाता था। मैं गा लगा सकता हूँ, जब मैं छोटा बच्चा था बड़ी शरारत भी करता था, मगर इलेक्ट्रॉनिक से करता था, तकलीफ होती। तो जब भी हम वो ट्यूब एम्पलीफायर की आवाज सुनते थे, तो जो उसका टोन आता था, इसको एक वार्म ट्यूब साउंड बोलते थे हम लोग। जो आज भी आप कोई ऑडियो फाइल से बात करोगे तो दे विल टॉक अबाउट अ वार्म ट्यूब की आवाज। इसमें क्या है, जो वैक्यूम ट्यूब्स होती थी उसमें अब उनकी साइज, आकार, टेम्परेचर, अंदर क्या मेटल है वो देखने के लिए, उसके हिसाब से एक लिमिटेड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अंदर घूमते थे। जो हमारे सॉलिड स्टेट में वी हैव अ लॉट मोर पॉसिबिलिटी बढ़ते जाती है, बट वैक्यूम में काफी लिमिटेशन थी। तो जितना आप आउटपुट बढ़ाते थे उसमें सॉफ्ट क्लिपिंग आती थी। इससे वो एक जो जिनको जो पुराने जमाने के लोग हैं उनको वो सॉफ्ट सी आवाज अच्छी लगती थी, और वो जितना एम्पलीफायर गर्म होता था उसमें इलेक्ट्रॉन्स हिलते थे उतनी उसकी पावर बढ़ती थी। मतलब पहले तो 3 मिनट पावर आने में लगती थी। तो उसमें देर वॉज अ लॉट ऑफ स्मॉल देर वॉज अ लॉट ऑफ ऑडियो से सॉफ्ट क्लिपिंग एंड बट अभी वो पूरा एकेडमिक है, बिकॉज यहाँ तो एकदम इतने महंगे होते हैं ट्यूब एम्पलीफायर्स अगर आपको चाहिए, और इतने बड़े बड़े होते हैं, गर्म होते हैं कि प्रैक्टिकल नहीं है यूज करना फॉर द लास्ट 40। मतलब तभी ये लोग, पुराने लोग कहते थे कि ये जितना हीट होगा उतना ज्यादा बजेगा। हाँ जी, वो उसके इलेक्ट्रॉन जो यू मूव होना चालू होते थे अंदर, सॉलिड स्टेट वर्क्स ऑलमोस्ट इमिजिएटली। ये जितना गर्म होता था उतना उसकी फुल पावर आती थी, एंड एक बार फुल पावर पहुंच के रुक जाती थी। तो मैं अपने सब्सक्राइबर को बताना चाहूंगा कि ये था रीजन जो कई बार आप लोगों ने मुझसे पूछा था कि पुराने एम्पलीफायर्स को हीट होने के बाद ज्यादा वोल्टेज कैसे बन पाता है या ज्यादा SPL कैसे देता है, ज्यादा आवाज कैसे देता है। और अगर आप ट्रांजिस्टर के बारे में या वैक्यूम ट्यूब के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरा एक पुराना वीडियो बना हुआ है, स्टोरी ऑफ अ ट्रांजिस्टर, आप वो भी देख सकते हैं। मैं आई बटन पे उसका लिंक दे देता हूँ सर। गुड कंटिन्यू। आइडिया, इससे काफी नॉलेज आ जाएगा। दूसरा इसमें रहता है, अभी आप एक नॉर्मल सॉलिड स्टेट एम्पलीफायर लेंगे तो वो पावर सप्लाई वोल्टेज से होता है, मतलब पीक टू पीक उसकी जो आउटपुट है, हिंदी में कहेंगे चोटी से चोटी तक जो उसकी आउटपुट है, वो उससे पावर वोल्टेज से फर्क पड़ता है। जैसे
और टेक्निकली 220 230 वोल्ट जो हमारे यहाँ है इस बेटर देन 110 वोल्ट जो यूएस में यूज करते हैं, क्योंकि एनर्जी या ऊर्जा जिसे कहते हैं वो वॉट्स में आप मापते हो उनको, तो ये इट इज कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग वोल्ट बाय एम्प्स. एम्प्स हियर डजंट मीन एम्पलीफायर्स, इट मीन्स एम्पियर, कितना करंट जा रहा है. तो जितना आपका हायर वोल्टेज है उतना उसकी एम्प्स आपको ज्यादा मिलते हैं. बट ऑब्वियसली जो कंपनीज को अमेरिका में करना है तो वो लोग एम्पलीफायर को डिजाइन ऐसे कर लेते हैं कि 110 पे भी सेम आउटपुट आ जाए जो 220 पे आ रही है. दूसरा होता है कितनी बार एक एम्पलीफायर को एसिमेट्रिकल आउटपुट स्विंग होता है, मतलब जैसे उसका उतार चढ़ाव है उसका जो सिमेट्रिकल नहीं होता है, लेफ्ट एंड राइट का, विषम कह सकते हो आप, अनबैलेंस्ड. तो उसमें क्या होता है, एक साइड पे हो सकता है क्लिपिंग बहुत जल्दी आ जाए, दूसरे में लेट आ जाता है. तो इसमें ये जो पूरा, जैसे आपने ऊपर वो देखा एक साइकिल है अप एंड डाउन का, दिस इज वन साइकिल, अगर वो पूरे साइकिल में बैलेंस्ड कंट्रोल नहीं मिल रहा तो भी आपको क्लिपिंग आ सकती है. तो एम्प्लीफिकेशन आई वुड से मतलब पूरे पूरे साइकिल में इक्वली नहीं ले रहे हैं, तो इसमें बाइसिंग का इश्यूज हो सकते हैं. बाइसिंग इज द लेवल, आई डोंट थिंक आई एम गोइंग इनटू बाइसिंग नाउ, बहुत डीप हो जाएगा. तो एनएक्स ऑडियो ने क्या किया है, हमने एकदम बैलेंस्ड हमारे पावर सप्लाईज होते हैं, लाइक यू कैन से एकदम संतुलित पावर सप्लाईज होते हैं दोनों चैनल के लिए. जैसे हमारे एमटी 1201 है, 1601 है, उसमें हम लोग वीमा और रूबिकिन के कैपेसिटर्स लगाते हैं कि वो जो लेफ्ट राइट की इमेजिंग है वो एकदम परफेक्ट आए, एकदम बेहतर आए, और जो साउंड आए वो प्राकृतिक आए, नेचुरल जितना हो सके. तो अगर आप नोटिस करें कि मेरे वीडियोस में मैं जब भी एम्पलीफायर और जिसकी जो भी चीज की बात करता हूं, मैं पहले आपसे बात, ये हमेशा घूम फिर के आ जाता है कि आपके पावर सप्लाई कितने अच्छे हैं. तो कोई भी सिस्टम की जान इज दी एम्पलीफायर, एंड उसकी जान है पावर सप्लाई. पावर सप्लाई में ट्रांसफॉर्मर कितना स्ट्रांग है, कैपेसिटेंस कितना स्ट्रांग है. इनफैक्ट मेरा नेक्स्ट पॉइंट इज, जैसे पावर सप्लाई का फिल्टर कैपेसिटर है, अगर वो एम्पलीफायर बहुत बड़े प्रमाण का करंट दे रहा है, मैसिव करंट ड्रॉ दे रहा है, और आपका सप्लाई फिल्टर जो कैपेसिटर है वो उसको सपोर्ट नहीं कर सकता, तो एम्पलीफायर की वोल्टेज थोड़ी फ्लक्चुएट हो सकती है एंड सिग्नल क्लिप हो जाएगा. तो ये एक रीजन है कि एनएक्स ऑडियो में हम लोग की जो पावर सप्लाईज होती हैं वो एकदम भारी भरकम सी होती हैं, वेट बहुत ज्यादा होती है और थोड़ी ओवर स्पेक भी होती हैं कंपेयर टू नॉर्मल. तो जितनी बड़ी पावर सप्लाई होगी उसमें आपका हेडरूम ज्यादा मिलता है. इसी के लिए है वो एनएक्स ऑडियो की लॉन्गेविटी कह सकते हो, रिलायबिलिटी कह सकते हो. इनफैक्ट मैं किसी से बीच में बात कर रहा था तो आपको जानकर थोड़ी हैरानी सी होगी कि कुछ एम्पलीफायर्स जो 2004 में हमने इनिशियल स्टेज पे हमने जब एनएक्स ऑडियो स्टार्ट हुआ था 1201 नंबर के बेचे थे वो अभी तक चल रहे हैं. 16 साल हो गए भाई. सर मेरे पास एक वर्ड है सर, जो अभी आप बता रहे थे ना रिलायबिलिटी वगैरह वगैरह, उसके लिए ट्रस्ट. थैंक यू इज ऑल आई कैन से. अभी ये हमने चार मेजर पॉइंट्स कहे, पांचवा पॉइंट है कि छोटा सा क्वेश्चन है, मैं सर उसी पांचवे पॉइंट पे आ रहा हूँ. सर एक छोटा सा क्वेश्चन है, अगर अगर यूजर गलती करता है, जैसे वो मान के चलते हैं मिक्सर से ही ज्यादा गेन बढ़ा देता है, पहले से ही उसका ऑडियो क्लिप कर देता है, तो फिर सर अगर पहले से ही कर दोगे तो क्या इलाज है? कोई इलाज ही नहीं है. फिर आप कितने भी लिमिटर कॉम्प्रेसर लगा दो कुछ नहीं होने वाला. फटी हुई आवाज, अगर आप इनपुट ही फटा हुआ दे रहे हो, डिस्टॉर्टेड दे रहे हो, तो आगे कैसे जाने वाला है? तो अगर आपका इनपुट सिग्नल बहुत ज्यादा किया हुआ है, बहुत बड़ा सिग्नल है, तो आप कुछ कर ही नहीं सकते. एम्पलीफायर का ट्रांजिस्टर ओवरलोड हो जाएगा और क्लिपिंग आएगी. तो इस क्लिपिंग से बचने का जो है कि आप लगातार लेवल्स जो है आपके, जब भी आप शो चालू है तो लेवल्स चेक करते रहें कि क्या हो रहा है, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं या मिक्सिंग कर रहे हैं तो देखिए कि आपके पास काफी
बेहतर सा हेडरूम होना चाहिए ऊपर टॉप पे, और अगर आपको कुछ मिले तो इमिजिएटली आप कट कीजिए, उसको संभाल लीजिए। कंप्रेशन और लिमिटिंग जो है उसको स्टेज पे अच्छी तरह यूज कीजिए। देखिए ये जैसे अभी NX Audio का LX इनपुट ओवरलोड लिमिटर है, वो काम तो कर लेगा, अगर वो एक स्टेज से लिमिट आ रहा है, समझो आपके प्रोसेसर से एक्स्ट्रा लिमिट क्रॉसओवर, वो आपको वो गेन ज्यादा दे रहा है तो वो कंट्रोल कर लेगा। मगर अगर मिक्सर से ही क्रॉसओवर को आप गंदी आवाज दे रहे हो तो फिर तो कोई इलेक्ट्रॉनिक काम नहीं करने वाला। तो बेसिकली जो ये अपना हमारा जो इनपुट ओवरलोड लिमिटर है, जो MT में आता है, XD में हम डालते हैं, QX सीरीज में आता है, वो इस समस्या के लिए काफी शानदार काम करता है, एज लॉन्ग एज आप भी अपना दिमाग यूज करें। अगर आप कहेंगे कि भाई हमने एक एग्जांपल आई थिंक लास्ट वीडियो में यूज किया था कि एक घोड़े की कैपेसिटी 100 किलो है, आप उस पर जबरदस्ती 300 डालने की बात करेंगे या 150 भी डालेंगे तो वो बेचारा भरेगा ही ना। आप घोड़े को 100 का 110 दे दोगे तो वो संभाल लेगा, और वो भी 2-3 घंटे के लिए संभाल लेगा, पूरा दिन तो वो भी नहीं कर सकता 10 किलो एक्स्ट्रा। तो एक लिमिट के ऊपर आप, एक सीमा है, आप सीमा के बाहर नहीं जा सकते। आप चीन में जाके रोड नहीं बना सकते, आपको इंडिया में ही बनाना है, तो सिंपल तरीका है। अभी आई कम बैक टू जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है एम्पलीफायर में, इज द ट्रांसफॉर्मर, जो दिल होता है। अभी पावर सप्लाई के दो पार्ट्स होते हैं, इफ यू सी द पिक्चर ऑन योर स्क्रीन, उसमें यू कैन सी एक बड़ा सा ट्रांसफॉर्मर है और लाल कलर के कैपेसिटर्स लगे हुए हैं, शायद 12 है। इसका क्या है, कैपेसिटर की तो हमने बात की ऊपर की, आपके कैपेसिटेंस में इतनी जगह होनी चाहिए कि वो आपका जो फिल्टर कैपेसिटर है वो पूरी आपकी गेन हैंडल कर सके। ट्रांसफॉर्मर का क्या मतलब होता है, ट्रांसफॉर्मर में अगर आपका जो अंदर उसका फेरोमैग्नेटिक कोर है अगर वो सैचुरेटेड या तो तरबतर हो गया तो बेसिकली साउंड डिस्टॉर्शन और क्लिपिंग चली जाएगी। क्योंकि आप दिल में, जैसे अगर सेम कहा अभी हमने पहले वाला घोड़े का एग्जांपल लिया, आपका दिल है, आपकी लिमिट है कि आपको जब भी आप वॉक कर रहे हो तो आपकी अराउंड 100 की बीट्स पर मिनट आता है, नॉर्मल बैठे हो तो 90, 95, 98 होता है। अगर आप उसको 150 पे या 180 पे कंटिन्यूस चलाओगे तो वो सैचुरेट हो जाएगा एंड हार्ट अटैक होने का चांस है। तो इसमें हार्ट अटैक नहीं होता, इसमें आपकी डिस्टॉर्शन हो जाती है। अभी यही कारण है कि MT के हमारे जितने भी NX के एम्पलीफायर्स आते हैं वो बहुत, हम जो पावर सप्लाईज ही बनाते हैं वो फ्रॉम द स्टार्ट हैव बीन, वो हम बड़ी बनाते हैं कि आप एकदम हैवी लोड भी उस पे डाल दो, स्ट्रेस कर दो उसको, 2 ओम लोड पे काफी टाइम लगाओ तो वो एम्पलीफायर चलता रहेगा, हल्का सा गर्म होगा कंपेयर टू 4 ओम, बट इतना नहीं होगा कि वो तकलीफ दे। क्यों, आप जानते हो कि सबसे बड़ा एम्पलीफायर में जो एम्पलीफायर किलर जिसको हम कहते हैं वो है गर्माहट और हीट। सो बेसिकली बड़े पावर सप्लाईज, बड़े ट्रांसफॉर्मर्स, कैपेसिटेंस वैल्यू अच्छी, इससे ही हमारी बड़ी सी रिलायबिलिटी बनती है। सर अगर हम लोग मान लेते हैं कि एक RX 3000 एम्पलीफायर है जो सबसे मतलब रनिंग आइटम मैं बोल सकता हूँ कि जो PA और प्रो दोनों में यूज होता है, सर अगर कोई इस पे डुअल 12 या डुअल 15 के अगर 4 कॉलम लगा देता है तो सर कैसा रहेगा, मतलब क्लिप होगा ना? वैसे तो हम अगर उसके किताब के जो टेक्निकल स्पेक्स हैं वो देख लें तो हम मैक्सिमम कहेंगे कि आप 4 ओम उसको 2 ओम्स तक चला सकते हो, कि 2 पैर पर साइड चला सकते हो, आप तो 4 पैर की क्या बात कर रहे हो। मगर इसमें एक छोटी सी राज है कि RX 3000 जब इनिशियली डिजाइन किया गया था तो ये 1.2 ओम्स पे उसकी टारगेट हमारी थी कि कोई अगर उस पे 6 या 8 स्पीकर पर साइड लगा दे पैरेलल में, एम्पलीफायर दबेगा मरेगा नहीं। सो हम एडवर्टाइज तो उसकी 2 ओम्स ही करते हैं मगर ये चल ऑलमोस्ट 1 ओम्स पे चल सकता है। डोंट टेक इट एज एन एंडोर्समेंट कि आप अभी 1 ओम्स पे उसको चलाओगे, वो गलत बात है। हम बोलते हैं कि जैसे बेस वाले एम्पलीफायर है बड़े, MT, XD, XT, जो ये बड़े वाले एम्पलीफायर है इनको 4 ओम्स पे चलाइए, 2 ओम्स इज फॉर इमरजेंसीज। RX 3000 2 ओम्स पे हैपीली चलेगा, 1 ओम इज नॉट इवन फॉर इमरजेंसी, वो तो उसकी स्पेक है वो ले सकता है। तो वो एक्चुअली जो हमने RX एम बनवाया था, जब भी हमने डिजाइन, हमारे डिजाइनर का जो ब्रीफ था कि
दो ओम पे बहुत कंफर्टेबली चलना चाहिए गर्म होने के बिना, कि समझो वो हमेशा टू ओम्स पे ही चलेगा। नॉर्मली जो एम्स बनाए जाते हैं वो बनाए जाते हैं कि फोर ओम्स पे चले एंड टू ओम्स पे भी चलना चाहिए। ये एम्पलीफायर था कि इट वॉज डिजाइन टू वर्क एट टू ओम्स कंटिन्यूसली, प्लस इसकी सेकेंड ब्रीफ थी कि इट शुड वर्क एट 170 वोल्ट, तो इसकी एक्चुअल वर्किंग वोल्टेज 170-270 है, वो तो हम एडवर्टाइज ही करते हैं। तो मैं अपने सब्सक्राइबर्स को बताना चाहूंगा कि इन केस आप अगर RX 3000 का वीडियो देखना चाहते हैं तो वो मैंने बना रखा है पहले ही ऑलरेडी, और मैं आई बटन पे उसका लिंक दे देता हूँ, वहां से चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं उसे। सर हमें काफी लिंक्स मिल रहे हैं जी। सर NX ऑडियो मेरे वन ऑफ द फेवरेट ब्रांड में से आता है। थैंक यू। तो बेसिकली ऑडियो क्लिपिंग इज अ फेलियर, मगर ये फेलियर जो है ये मशीन का नहीं है, ये जो इसका जो मुख्य रीजन, मुख्य रूप या रीजन होता है इज द ऑपरेटर। जो ये जो ऑडियो क्लिपिंग होती है वो एक ऐसी चीज है जो आप 100% कंट्रोल कर सकते हो, आपके हाथ में है। तो इस ये कभी होता है जब भी आपका जो ऑडियो उपकरण है उसको आप उसकी जो क्षमता है उससे अधिक चलाने की कोशिश करते हो, उसका तो इसका इलाज क्या है? इलाज ये है कि जो बुनियादी नियम है या जो बेसिक रूल्स हैं जो आपको कैटलॉग में और जिन जो आपके टेक्निकल आपको समझ में आता है वो पढ़िए, उसके हिसाब से काम कीजिए, उसका पालन कीजिए, समाधान ज्ञान जिसको हम कॉमन सेंस कहते हैं उसका इस्तेमाल कीजिए, और सबसे इंपॉर्टेंट डिस्टॉर्शन के मामले में अपने कानों की बात सुनिए। जो आपके अगर आपके कान बता रहे हैं कि हम कान दर्द कर रहा है, कान आवाज फट रही है, तो उसकी बात सुनिए। अगर ये करेंगे तो आपके एक तो जो आपके कार्यक्रम जो प्रोग्राम करेंगे उसमें साउंड विल बी वेरी स्मूथ, बहुत अच्छा प्राकृतिक नेचुरल साउंड करेगा। बिकॉज जैसे मैंने पहले भी कहा है 2-3 बार कि जो साउंड आप कर रहे हो इट इज एन इमिटेशन, इट इज लाइक अ कार्बन। आपकी टारगेट है कि जितना हो सके वो ओरिजिनल की तरफ जाए, मतलब अभी आप ये वीडियो देख रहे हो इट्स एज क्लोज टू आप सामने नहीं जा रहे हो, इट इज लाइक अ नकल है ये। तो साउंड भी जब भी आप एम्पलीफायर के थ्रू करते हो तो नकल है, तो जितना क्लोज आप नेचुरल की तरफ जाने तो आप जा सकते हैं अगर आप ये सब काम करेंगे, और आपके जो इक्विपमेंट है उपकरण है उनकी लाइफ लंबी हो जाएगी। भी जैसे कह रहा था जो 2004 वाले एमटी हैं, अभी एम्पलीफायर तो तगड़े हैं बट उनके चलाने वालों को भी नॉलेज है, जिन्होंने इतने सालों तक चलाया है, उसको मैनेज किया है, ओवर यूज नहीं किया है, इंटेलिजेंटली और कॉमन सेंस के साथ यूज किया है, इसके लिए वो चल रहे हैं। कितना भी अच्छा मैं आपको इक्विपमेंट दे दूं या आप वर्ल्ड की बेस्ट इक्विपमेंट ले लो, अगर आप उसको उसमें से अगर डिस्टॉर्टेड आवाज निकालना चाहो तो निकाल सकते हो सर, और कितना भी सस्ते में सस्ता एम्पलीफायर है उसमें से अगर आप कंट्रोल रहो तो आप उसमें से क्लीन साउंड निकाल सकते हो। इनफैक्ट एक छोटी स्टोरी है, जब मैं 18-19 साल का था मैंने डीजेइंग थोड़ी बहुत स्टार्ट की थी, तो मैं 250 वाट का एक बड़ी कंपनी का पीए एम्पलीफायर मेरा मेन एम्पलीफायर था, और हम मेरा खुद के डिजाइन के मैंने 12 इंच के 2-way स्पीकर में लेके जाता था, तो वो एम्पलीफायर को मैं हमेशा 30-40% पे यूज करता था एंड उतने की जरूरत थी, मतलब हमारे मेरी पार्टीज 50-100 लोगों की होती थी, बहुत बड़ी नहीं होती थी। तो 2-3 वो टाइम के जो बड़े बड़े एक दो थे जो बड़े कोई पार्टी पे आए हुए थे, उन्होंने पीछे आके एक्चुअली मेरा देखा कि भाई तू कौन सा प्रो एम बजा रहा है। जब भी उन्होंने वो ऐप देखा तो थोड़े सरप्राइज हो गए थे कि आवाज इस ऐप से निकल रही है, मैंने तो नहीं सुनी इतनी अच्छी आवाज। तो बेसिकली चलाने वाले पे है, आप गाड़ी फरारी दे दो या मारुति दे दो, चलाने वाला अच्छा होगा तो मारुति आगे निकल जाएगी। अच्छा पॉइंट रहा सर इस बार का। मुझे लगता है कि हमारे सब्सक्राइबर बिल्कुल इजीली इसको सुनने के बाद तो क्लिपिंग पे कभी कोई नहीं जाएगा। होपफुली ये जो वीडियोस हम बना रहे हैं वो इसी के लिए बना रहे हैं कि हम इंडस्ट्रीज हमारी इंडस्ट्री में थोड़ी नॉलेज बढ़े, थोड़ी इसी से फर्क पड़े कि अब हाँ जितने भी लोग हैं वो ध्यान दें, एंड वी आर गोइंग थ्रू टफ टाइम्स इन दिस इंडस्ट्री, सो
इससे ज्यादा हम जब बाहर निकले तो ज्यादा स्ट्रांग निकले और निकलेंगे, जल्दी निकलेंगे। 2020 में आप, मैं कहता हूं अपने इंडस्ट्री वालों के लिए कि मैसेज है कि सरवाइव कर लो, थोड़ा बहुत काम मिल जाएगा कर लो, 2021 में अच्छा काम करेंगे। सो फाइनली गाइस, मुझे लगता है कि इससे बेटर क्लिपिंग तो एक्सप्लेन हो ही नहीं सकता है। तो आशा करता हूं कि आज की वीडियो आप लोगों को बहुत बहुत पसंद आई हो। पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, और अगर आप मनोज सर से कोई रिक्वेस्ट करना चाहते हैं वीडियो के बारे में या किसी भी पॉइंट पे, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो कमेंट पढ़ें और उसका रिप्लाई दें। आज के वीडियो में इतना ही, थैंक यू गाइस।